हेलो वीवर्स, हाउ आर यू वीवर्स? वीवर्स, आजकल हमारे पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हो रही है, तो मर्दमशुमारी वाले हमारे घर आते हैं और हमसे डेटा लेते हैं। हमारे NIC और बच्चों के बेफाम अब रेडी होने चाहिए घर पर, ताकि मर्दमशुमारी वाले आएँ तो आसानी रहे उनके लिए भी, और हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है मर्दमशुमारी होना, और मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप पूरे पाकिस्तान में से बहुत कोऑपरेट कीजिएगा, मर्दमशुमारी वाले जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जो हमारे घर आ रहे हैं बेचारे और काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो इनके साथ आप कोऑपरेट कीजिएगा और अपने साथ घर के तमाम अफराद के NIC और बेफाम रखिएगा। और ये बहुत ज़रूरी है हर मुल्क के लिए कि वो अपना पूरा अंदराज कराए, और इससे हमारे मुल्क की तरक्की भी होती है। ठीक है, तो आप, मैंने छोटा सा इंटरव्यू लिया है मर्दमशुमारी वाले ग्रुप्स का, तो आप वो भी देखिए प्लीज़। मर्दमशुमारी के लिए आए हैं, तो आपका नाम क्या है? अब्दुल वहाब शाह, ये बताओ कि क्या परेशानी हो रही है आपको काम करने में? पहली परेशानी तो ये कि चूंकि हमें सुबह 9 बजे आना पड़ता है, तो यहाँ मसला ये होता है कि लोग आते नहीं है। 8 बजे ठीक है, सही है, आते नहीं है, तो तकरीबन 10:30 से 11 बजे तक का ये टाइम लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो दरवाज़ा खुलता है तो उसमें ये होता है कि NIC नहीं है, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। ठीक है, सही, वो क्लिक करने में भी उन्हें टाइम लगता है, फिर उन्हें दोबारा टाइम लेते हैं। ठीक है, सही है, यानी कि सब चीज़ें रेडी होनी चाहिए, ये लोगों के पास रेडी नहीं होते। बिल्कुल, ठीक है, सही है। ये मैसेज हम बारह कमरे करवा चुके हैं कि ये तमाम चीज़ें आप जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ये सिक्योरिटी के साथ आते हैं आप, देखिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या तकलीफें होती हैं आपको काम करने में? तकलीफें सिर्फ, सबसे ज़्यादा मसाइल ये दरपेश आ रहे हैं कि लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते, हम खटखटा रहे होते हैं, आधा घंटा डेढ़ घंटा खटखटा ही रहे। अच्छा, जब दरवाज़ा खुलता है तो वो कहते हैं कि 1 घंटे बाद आ जाइएगा, हमारे पास अभी NIC तैयार नहीं है, अभी बच्चों के बेफॉर्म नहीं है। अच्छा, तो वेटिंग बहुत करनी पड़ती है, इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा। सही है, आप बताइए आपको क्या परेशानी है मर्दमशुमारी का काम करते हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकत है। सही है शौकत, क्या परेशानी हो रही है काम करने में? मुझे तो लग रहा है मशीन बहुत स्लो चल रही है आपकी, डेटा बहुत स्लो मशीन चल रही है, मुझे तो ये लगता है, क्या बोलते हो? यहाँ सैटेलाइट का मसला है, यहाँ पे सैटेलाइट नॉट अवेलेबल, ये बहुत टाइम लग रहा है। तंग गलियाँ यहाँ पे बहुत, जिसकी वजह से स्काई नहीं आ रहा होता। अच्छा, एक पतली पतली गलियाँ, एक बाइक जाने का रास्ता है सिर्फ। अच्छा, वजह से सैटेलाइट, जगह तंग होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सही है, और तुम लोगों को क्या मसले मसाइल है? और कोई मसले मसाइल? सब सही है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ के लोग। ठीक है, सही है, चलो बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि इससे लोगों को फायदा क्या होगा मर्दमशुमारी से, जरा मैसेज दें ताकि लोग। मर्दमशुमारी से आपके मसाइल हल होंगे, आपको पानी मिलेगा, आपको गैस मिलेगी, आपकी आबादी से पता चलेगा हमें कितनी यहाँ पे जरूरत है पानी की, कितनी जरूरत है गैस की, कितनी जरूरत है बिजली की। ठीक है, आपको रोजगार मिलेंगे। ठीक है, सही है, आपको हर चीज वैसे तो मिल रही है, लेकिन हमें, हमारे कौन को पता नहीं है। ठीक है, देखिए पूरी सिक्योरिटी के साथ ये आए हैं, काफ़ी जाने आते हैं, ये देखिए पूरी टीम है इनकी, तो ये 4, 5, 6 जाने हैं तकरीबन, आप सबको देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको सबके चेहरे, तकरीबन इतने लोग आते हैं, ये बेचारे बहुत काम कर रहे हैं, तो आप भी इनके साथ कोऑपरेट करें, NIC और बच्चों के बेफाम अपने पास रखें, ताकि ये लोग आएँ तो डेटा ले सकें आसानी से। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।